हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टार्डस में। और इधर आज की इस वीडियो में हम साउथ इंडियन तेलुगु सिनेमा के फेमस डायरेक्टर के एस रविंद्र की एज अ डायरेक्टर रिलीज सभी मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं। व्यूअर, एज अ डायरेक्टर के एस रविंद्र की डेब्यू मूवी का नाम है पावर, जो की सितम्बर 2014 को रिलीज हुई थी। अब तक एज अ डायरेक्टर के एस रविंद्र कितनी मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं और उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही है, और साथ ही साथ साउथ इंडियन तेलुगु सिनेमा के लिए उनका सक्सेस रेशो क्या बनता है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो इस बार एज अ डायरेक्टर के एस रविंद्र की पहली मूवी का नाम है पावर। फिल्म की लीड कास्ट में रवि तेजा, हंसिका मोटवानी और रागीना कसिंद्रा शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की यह मूवी 12 सितंबर 2014 को रिलीज हुई। पावर एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 5.8 स्टार दिए गए थे। 19 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 42 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर पावर को एक हिट फिल्म करार दिया गया। के एस रविंद्र की डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट मूवी का नाम है सरदार गब्बर सिंह। फिल्म की लीड कास्ट में पवन कल्याण, काजल अग्रवाल, शरद केलकर शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी 8 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई। सरदार गब्बर सिंह एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 4.6 स्टार दिए गए थे। 75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 102 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर सरदार गब्बर सिंह एक हिट फिल्म साबित हुई। के एस रविंद्र की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है जय लवाकुसा। फिल्म की लीड कास्ट में एनटीआर रामाराव जूनियर, राशि खन्ना, नविता थॉमस और रोनित रॉय शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की यह मूवी 21 सितंबर 2017 को रिलीज हुई। जय लवाकुसा एक एक्शन ड्रामा थ्रिल मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 6.8 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 50 करोड़ और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 135 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 175 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दिया गया। के एस रविंद्र की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है विंकी मामा। फिल्म की लीड कास्ट में वेंकटेश दगोपति, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, पायल राजपूत शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की यह मूवी 13 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई। विंकी मामा एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 5.4 स्टार दिए गए थे। 45 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 72 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 85 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर विंकी मामा को एक हिट फिल्म करार दिया गया। के एस रविंद्र की डायरेक्शन में बनने वाली रिसेंटली रिलीज होने वाली मूवी वाल्टियर वीरैया। फिल्म की लीड कास्ट में चिरंजीवी सर, रवि तेजा, श्रुति हसन और कैथरीन रिसा शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी 13 जनवरी 2023 को रिलीज हुई है। वाल्टियर वीरैया एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे आईएमडीबी 10 में से 7.1 स्टार दिए गए थे। 125 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 157 करोड़ 80 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए हैं 283 करोड़ 70 लाख और बॉक्स ऑफिस पर वाल्टियर वीरैया को एक सुपर हिट फिल्म करार दिया गया है और यही एज अ डायरेक्टर के एस रविंद्र की अब तक की रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म भी साबित हुई है। तो इस बार एज अ डायरेक्टर के एस रविंद्र ने 5 मूवीज डायरेक्ट की हैं, जिनमें से उनकी एक मूवी ब्लॉकबस्टर, एक मूवी सुपर हिट और 3 मूवीज हिट रही हैं। तो इस हिसाब से साउथ इंडियन तेलुगु सिनेमा के लिए एज अ डायरेक्टर के एस रविंद्र का सक्सेस रेशो बनता है 100%। तो इवर ये थी डायरेक्टर के एस रविंद्र की रिलीज सभी मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। तो एज अ डायरेक्टर के एस रविंद्र की रिलीज होने वाली इन सभी मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारे आज का वीडियो आप व्यूअर्स को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल मेहसान स्टार्डस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल मेहसान स्टार्डस को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा और इसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आप हमारी आज का वीडियो किस शहर, किस देश से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में इसे भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें जानकर खुशी महसूस होगी कि हमारे ये वीडियो कहां कहां पर देखा जा रहा है। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत शुक्रिया।